अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उफक अली, मैथ क्लास नाइन्थ। आज है रिव्यू एक्सरसाइज 16 यूनिट की। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया, यानी कि आपने एरियाज़ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कौन सी डायग्राम है, ऐसी डायग्राम जिसकी आमने सामने की साइड क्या हों, इक्वल हों। तो वो रेक्टेंगल होती है जिसकी चारों साइड इक्वल हों, वो क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो ये ट्राइंगल है, ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या एरिया है, एरिया एरिया उर्दू में रकबा, ठीक है। हमने रकबा मालूम करना है किसका, ये फार्मूला लगा के लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, ये उर्दू मीडियम के लिए ये फार्मूला। अच्छा, ये एरिया हमने फाइंड किया। लेंथ क्या है, ये लेंथ, ठीक है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये यूनिट ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तब यूनिट नहीं लिखा जाता, लास्ट पे यानी यूनिट लिखते हैं जब आंसर आता है। ये 3। विड्थ क्या है, 6। विड्थ 6 क्या आ गया, 18। तो यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यही फार्मूला है, लेंथ ज़रब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई क्या है, जो स्केल होता है इसकी लंबाई चौड़ाई चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जो इसकी चौड़ाई है वही इसकी लंबाई है, लेंथ ज़रा विड्थ इक्वल ही होती है। तो ये फार्मूला है, 4 पुट किया तो लेंथ में, तो विड्थ क्या है, वो भी 4 है, तो इसका क्या आंसर आ गया, 16। तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर इसका स्क्वायर ले लेते। तो अब इसका हमने फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। इसका अगर यही आप लिखते हैं लेंथ ज़रा विड्थ फिर भी ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, इसे हाइट कहते हैं। तो मैं हाइट लिख लेता हूँ, अगर वो भी लिखते हैं वो भी ठीक है। विड्थ जो है ये इसकी बेस होती है, ठीक है, ये हाइट ऊंचाई, जो हाइट है ये ऊंचाई है, जो बेस है इसे कायदा कहते हैं। हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4। बेस क्या है, 8। तो क्या आंसर आ गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है उसका यूनिट, तो उसका स्क्वायर ले लें। अब कौन सा रह गया, अब इसका रह गया, ये क्या है, ये ट्राइंगल है। अगर मैं ये कहता हूँ जो ट्राइंगल होती है किसी भी रेक्टेंगल का हाफ होती है, देखते हैं ये रेक्टेंगल का क्या है, हाफ होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल का हाफ होती है, तो रेक्टेंगल का क्या फार्मूला ये है, तो हाफ होने से क्या मुराद है, 1/2। फार्मूला वही रहने दें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, फार्मूला वही है। स्टार्ट में मैंने लिख दिया 1/2, यानी ये इसके डिवाइड में 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेक्टेंगल का हाफ होती है, 1/2। तो लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 10, विड्थ क्या है, 16। 1/2 ये 160 क्या हो गया, 160। तो ये देखें 280 टाइम क्या होता है, 160, ये 80 इसका आंसर है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो क्या है, 80 आया।